हेलो डियर लर्नर, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू हियर। देखिए, यहाँ पर हम आपको कुछ तीन से चार दिखाने वाले हैं पिक्चर्स, जिसके माध्यम से हम आज बात कर रहे होंगे जो आपके नए आयोग के गठन की बात हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग था, इसको हरी झंडी मिल चुकी है। इसका जो मुख्यालय होगा वो प्रयागराज होगा। नए आयोग में होगा क्या मैम? हमने कहा एक अध्यक्ष होंगे और 12 आपके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक, सबसे पहले मैम आयोग का मुख्य काम क्या होगा? हमने कहा सबसे पहले अगर ये कुछ करवाएंगे आयोग बनने के बाद में, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिल करवा रखे थे, है ना? क्या मैम हम लोग भी भर सकते हैं? हमने कहा नहीं, इन्होंने पहले से ही फिल करवा रखे थे लेकिन अभी तक उसकी परीक्षाएं नहीं करवा पाए थे। क्यों? क्योंकि ये था कि नया शिक्षा आयोग जब गठित हो जाएगा तो उसके अनुसार वो परीक्षाएं होंगी। तो जो सबसे पहला जो आयोग बनने के बाद में काम होगा वो क्या होगा? टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं करवाना। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा, क्योंकि इन्होंने अभी क्या नहीं करवा पाया, यूपी टेट की परीक्षाएं। जैसा इन्होंने कहा कि यूपी टेट हम हर साल कराएंगे सी टेट की तरह, सी टेट तो इवन साल में दो बार करवाता है, तो वैसे इन्होंने कहा था कि हम हर साल यूपी टेट कराएंगे, लेकिन इससे पहले वाले ईयर्स में आपका कुछ यूपी टेट नहीं हुआ है, और हुआ भी था तो एग्ज़ाम लीक हो गया था आपका, एक बार याद होना चाहिए आपको। खैर, तो दो बड़े जो कार्य हैं वो पहले होंगे, कौन कौन से मैम? हमने कहा एक तो आपका यूपी टेट का पेपर और दूसरा आपका ये टीजीटी पीजीटी वाला वैकेंसी, जो तो सबसे पहले होगी। नए आयोग के गठन से 14 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे कितने भैया? 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि भाई वैकेंसी तो तब आएगी ना जब आयोग का गठन होगा, अभी तक तो आयोग का ही गठन नहीं हुआ है। अब आयोग का गठन जब हो गया तो जो आपके 14 लाख अभ्यर्थी थे, इनको क्या है कि हाँ, ये सांत्वना पहुंच गई कि हाँ भैया आयोग तो गठित हो गया। तो अब क्या है, आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्ती की परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की जा सकी। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूरा हो चुका है और सदस्यों के भी 6 में 4 पद खाली हैं। जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई, तभी तय हो गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अधूरी भर्ती है अब नया आयोग ही पूरा कराएगा। इन पदों की भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए थे। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, किसकी बात की गई यहाँ पर? टीजीटी पीजीटी की। जो आपकी टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों की भर्ती के लिए 2022 में विज्ञापन जारी किया था। टीजीटी के 3313 और पीजीटी के 850 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने, सोचो पद कितने हैं हज़ारों में और एप्लीकेशन कितने फॉर्म भर रहे हैं लाखों में, है ना? तो ये सब आवेदन हुए थे और अगस्त 2022 में प्रक्रिया पूरी भी हो गई थी, लेकिन चयन बोर्ड के अध्यक्ष व पद सदस्यों के सभी 10 रिक्त पड़े और नए आयोग के गठन के इंतजार में चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई, क्योंकि ये भर्ती भी अब नया आयोग ही पूरी कराएगा। इसके अलावा समझिए, टीजीटी पीजीटी के पद खाली पड़े हैं। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रदेश में अशासकीय जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के 16,750 और पीजीटी के 2522 पद रिक्त पड़े हैं, जबकि विज्ञप्ति पदों की संख्या इससे काफ़ी कम है। समझ रहे हैं, अभ्यर्थियों की उम्मीद के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जो ये खाली पद पड़े हैं इनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक, इसके बाद में जो आपके एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती भी जल्द शुरू होने के आसार नज़र आ रहे हैं। चयन बोर्ड हो सकता है नए आयोग का मुख्यालय, की मतलब कुल मिला के कहने का आशय ये है कि अभी तक तो ये था कि भैया जब आयोग ही नहीं बना तो क्या करेंगे, आयोग ही नहीं बना तो क्या करेंगे। अब क्या है कि आपका आयोग पूर्ण रूप से गठित हो चुका है। अब एक तो सबसे बड़ी आस जो है वो यूपी टेट तो है ही, मान लीजिए कि यूपी टेट ये करवाएंगे। अच्छा, जब जैसे आयोग गठित हुआ तो एक आस जागृत हुई कि यूपी टेट कराएंगे, वैसे ही जब यूपी टेट हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा एप्लीकेशन, तब एक आस हम लोगों के सबके मन में एक ये आएगी कि हाँ अब सुपर टेट भी हो सकता है। ठीक,
तो कहीं ना कहीं हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक इसको जुआ समझ के अपनी तैयारी करना शुरू भी कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन अगर मान लो कि वैकेंसी आ गई, वैसे तो हम कहते नहीं आए या आएगी किसी को नहीं पता है, आप किसी भी चैनल के वीडियो देखिएगा कोई भी नहीं बता पाएगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आदमी अपना जीवन किन किन समय में गुजार देता है, अगर आप 6 से 7 महीने अपना एक बार सुपर टेट की पढ़ाई कर भी लेंगे तो आपका कुछ चला तो नहीं जाएगा, भले आप पैरेलल में उसके साथ कोई और काम भी करते रहो, लेकिन आप अपनी एक तैयारी भी करते रहिए। भाई जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो सो नो डाउट कि आपकी हिंदी, आपकी CDP, मैथ्स, ये सब तो अच्छी होगी होगी, साथ में यही चीज़ें जो आपके सुपर टेट में भी पूछी जाएंगी वो भी अच्छी होती चली जाएंगी। इसलिए अपनी तैयारी को करते रहो, वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन अगर आ गई तब उस समय आपके फिर ऐसा ना हो कि हाथ पैर एकदम ढीले पड़ जाएँ कि मैम अब क्या करें। क्योंकि पहले तो ये मान के चलिए, इसके पहले वाली जो भर्ती थी वो मात्र 45 दिन में उन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया था, है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे या कुछ नहीं करवाएंगे। हाँ, लेकिन ये एक अपने आप में एक बिग टास्क है यूपी टेट का। यूपी टेट करवाने के लिए कम से कम इनको 2 से 3 महीने का समय तो लगना ही है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो इससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे यूपी टेट का फॉर्म, भले जिनका सी टेट क्लियर हो वो ना करें ऐसा नहीं है, जिनका सी टेट क्लियर है वो भी यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे। क्यों भरेंगे मैम? क्योंकि उनको अपने नंबर बढ़ाने का सोच रहे हैं और यूपी टेट देने से उनको एक आइडिया भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है कि वैकेंसी लेट हो जाएगी या वैकेंसी अभी नहीं आएगी या आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आयोग बन गया है, आयोग बनने का मतलब है कि यूपी टेट की परीक्षा तो निश्चित होनी ही होनी है आपको, ये 2023 में मुझे ऐसा लग रहा है कि होनी हो जाएगी, है ना। फिलहाल अभी नहीं आया ऐसा कुछ, लेकिन आ जाएगा कुछ समय में ये भी। तो जो यूपी टेट की परीक्षा है ये होनी है, तो अब जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो आप अपनी सुपर टेट की भी तैयारी करिए साथ में, है ना। और साथ में अगर आप पैरेलल कुछ कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, अपना वो भी करते रहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें होती है कॉमन, जैसे मैम हमने कहा जैसे हिंदी है मान लो, तो ये कॉमन है आपकी, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी RO ERO की हो, चाहे जो परीक्षा हो ऑलमोस्ट में पूछी जाएगी। CDP आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देने जाएंगे तो वो तो पूछी ही जानी है। तो इन सब विषयों को अपना मजबूत करिए, गणित है आएगी ही आएगी, जब ये विषय पे पकड़ हो जाएगी ना आपके, फिर आपकी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी आएगी टीचिंग, आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, अपने आप को आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए कहने का आशय ये है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, पढ़ाई जारी रखिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारी इंस्टाग्राम ID का, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, है ना। टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड सारी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।